मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जिद, इश्क मेहर से आया अव्वल मेहर थी। प्रणेश्वर अक्षरातीत ने इस मेहर के सागर में अपने हृदय का पूरा विस्तार वर्णन किया है। सामान्य तौर पर सुंदर सार यही समझता है कि हमारी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति ही मेहर का सागर। आप सोचिए, लौकिक इच्छाएं क्या है? आपके घर करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाना, आपके घर पुत्र रत्न या पौत्र की प्राप्ति हो जाना, अच्छा विवाह हो जाना, गृहस्थी बस जाना, या आपको कोई मिनिस्टर का पद मिल जाना, ये कितनी ऊंची बातें हैं। आमतौर पर सुंदर साथ को यही बातें करते हुए देखा जाता है। देखो राज्य की कितनी मेहर है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। किसी का अच्छा भवन बन गया तो भी कहता है देखो राज्य की मेहर से हो गया। कई बार परंपरा में मुझे भी कहना पड़ता है कि हाँ देखो राज्य की कृपा से हुआ है, मेहर से हुआ है। यदि मैं भी न कहूँ तो लोग कहेंगे कि कितना राजन स्वामी को अहंकार हो गया, कहते हैं कि मैंने कर लिया, तो बीबस होकर के कहना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? आदि नारायण की बनाई हुई सृष्टि में हमारी पृथ्वी लोक जैसी असंख्य पृथ्वी, और कहा जाए तो बेचारे भी आदि नारायण निराकार से परे की बात भी नहीं जानते। इस समस्त सृष्टि का स्वामित्व किसके पास है? आदि नारायण के पास। हमारी पृथ्वी में कितना दुख है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, संगे संबंधियों से बिछुड़ना है, रोग का कष्ट है, सब कुछ है। फिर भी इस दुनिया में यदि किसी को किसी देश का प्राइम मिनिस्टर का पद मिल जाए, राष्ट्रपति का पद मिल जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि समझता है। हम सुंदर साथ को तो एक स्टेट का या देश का एक मिनिस्टर का पद मिल जाए तो हम कहते हुए नहीं थकेंगे कि देखो हमारे जैसे मेहर तो किसी पर नहीं है, हमें कितनी बड़ी मेहर हो गई है। लेकिन पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियों का जो स्वामी है, आप सोचिए कि पृथ्वी से ज्यादा सुख क्या है? स्वर्ग में। स्वर्ग में बुढ़ापे का कष्ट नहीं है, मृत्यु का कष्ट नहीं है। लेकिन बात स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं कि हमें कब मानव तन मिले जिसमें हम परमात्मा की खोज कर सकें। विष्णु पुराण में एक श्लोक होता है, गायंत देवा किल गीतकानि, धन्या तुति भारत भूमि पाली, स्वर्ग अपवर्ग पद मार्ग पुति भवन्ति भूया पुरुषा सुरत। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी यह कामना करते हैं कि हे परमात्मा हमें भारतवर्ष में जन्म दे कि हम उस सत्तानंद परमात्मा की खोज कर सकें। सबसे विचारणीय तथ्य है, पृथ्वी पर रहता हुआ मानव लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए स्वर्ग में जाना चाहता है, और स्वर्ग में रहने वाले देवता पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। वो भी मर्यादा से बधे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना उनकी अपनी स्वतंत्रता पर नहीं है। जो वैकुंठ में बैठे हैं महाप्रलय में, तो वैकुंठ भी लय को प्राप्त हो जाए। जिस वैकुंठ के लिए पृथ्वीवासी कठोर तप करते हैं, वो वैकुंठ वालों को भी यह सौभाग्य में नहीं है कि वे अक्षरतः परमात्मा की खोज कर सके, क्योंकि वहाँ लौकिक सुखों की बहुलता है। वहाँ हमेशा यौवन अवस्था रहती है, मृत्यु का कष्ट नहीं है, बुढ़ापे का कष्ट नहीं। पृथ्वी पर जिन कष्टों से छुट्टी पाने के लिए हम मेहर सागर का गोटा पढ़ते हैं, वे सारे सुख तो वैकुंठ में पहले से उपलब्ध है। हम सुंदर साथ जब घूमर जी भी जाते हैं तो नारियल चढ़ा देते हैं, बाईजुरा जी जाते हैं तो चुनरी चढ़ाते हैं, चूड़ियां चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में किया जाता है, हम भी वैसे ही करते हैं। जब कोई कष्ट हो तो राज्य से प्रार्थना करना हमारा अधिकार है, लेकिन छोटे छोटे लौकिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए जब हम मन्नते हैं, और जब कोई हमारी लौकिक इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे मन में आता है कि इससे अच्छे तो देवी देवता,
जब हम उनकी पूजा करते थे तो हनुमान जी हमारी इच्छाएं पूरी कर देते थे, वैष्णो माता के यहाँ हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो आप नहीं सोचते हैं कि आप अपने प्रेम के ऊपर कितना बड़ा कलंक लगाना चाहते हैं। आप इस दृष्टांत को एक लौकिक दृष्टांत से समझिए। आपकी धर्मपत्नी किसी चीज की मांग देखती है कि आप नहीं कर रहे हैं, तो किसी पड़ोसी से के पति से कर लेती है। जब आपके पति को पता चलेगा कि मेरी पत्नी पड़ोसी से ये चीज मांग करके अपना काम चलाती है, तो उसके हृदय पर क्या गुजरेगा? सीता ने तो कभी कोई याचना नहीं की, वन में 14 वर्ष रहती रही, कोई कोई गिला सिखवाई। द्रौपदी कभी कभी थोड़ा बहुत कह देती थी कि बहुत कष्ट है, लेकिन द्रौपदी ने भी अपना सत्यत्व निभाया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कितने सुंदर से आते हैं जो दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, और आजकल तो एक परंपरा चल गई है। सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि जब इस संसार में आए हैं तो हमें देवी देवताओं की पूजा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि राज्य के प्रेम का हमें एहसास नहीं है। मेहर का सागर का तात्पर्य क्या है? इसमें सातों सागर क्रीड़ा कर रहे हैं, राज्य के हृदय का बहता हुआ इश्क क्रीड़ा कर रहा है। पांचवा सागर, चौथा सागर युगल स्वरूप का श्रृंगार, नख से सिख तक जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं युगल स्वरूप सुबह छलकने लगती है। हमारे हृदय में वाहत की रसधारा बहती है। दूसरे साथ सुंदर साथ की पीड़ा हमें अपनी पीड़ा नजर आने लगी, दूसरे सुंदर साथ की खुशियां हमें अपनी खुशियां नजर आने लगी। तो समझ लेना चाहिए कि वाहत की रसधारा का स्वाद हमारी अंतरात्मा करने लगी, हमें यही बैठे बैठे अपनी परात्मा का संकार झलकने लगे। हम इस मायावी मिट्टी के तन से अलग हो जाए, हमें ऐसा लगे जब हम चितुनी में बैठते हैं तो हमारा भी श्रृंगार नख से सिख तक वैसा ही दिख रहा है जैसे कि श्यामा जी का दिख रहा है, और राज्य का संपूर्ण नूर नख से सिख तक का जो नूरी सौंदर्य है पूरे परम धाम में चप्पे चप्पे पर नजर आए, तो लगता है कि हमारी पहाड़ी पुकार। लेकिन ये सब कुछ नूरमयी प्रतीत है, ऐसा लगता है कि दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा जो गन्ना जी का जल, आप सोचिए दूध से करोड़ों गुना जो उज्जवलता लिए हुए, माधुरता की मिठास को अपने अंदर से मिटे हुए यमुना जी का जल छलकार करने, उसमें हम क्रीड़ा कर रहे हैं। जिधर नजर जाती है वहां एक एक रंग से असंख्य रंगों की किरणें निकल रही हैं, ऐसा वही सुंदर हमारी आत्मा के चक्षुओं के सामने दृष्टिगोचर होने लगी। वाणी के कोई अंश बिना रटे बिना पढ़े भी हृदय में प्रकाशित होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारे हृदय में राज्य का मेहर का सागर क्रीड़ा कर। और ये कब होता है? आपने अभी चौपाई सुनी, मैं देखिया दिल विचार के इश्क हक का चित, इश्क मेहर से आया और सबसे बड़ी मेहर क्या है? इश्क मेहर से आया अव्वल, सबसे बड़ी मेहर क्या है? कि हमारे हृदय में राज्य का प्रेम, इश्क से बड़ा और कुछ भी नहीं। पांचवा सागर इश्क का सागर है, छठा सागर इम्र का सागर है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ क्यों कहा गया है कि अव्वल में रहती सबसे बड़ी। अव्वल का दो अर्थ होता है, एक तो प्रारंभ और दूसरा स्वरूप, और इसमें दोनों अर्थ चले। जब राज्य की हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा होने लगी तो वो पहली मेहर है और सर्वोपरि मेहर, क्योंकि इश्क में ही इल्म है, इश्क में ही निस्वत है, इश्क में ही नूर नीर छीर की शोभा है। यदि हमारे अंदर प्रेम ही नहीं रहेगा तो युगल स्वरूप की छवि हमारे हृदय में अंकित कैसी होगी? लाओ प्यार करो दीदार, तो इसी संदर्भ में कहा गया है।
हमने राजी के प्रेम की गरिमा को नहीं समझा। देखिए, एक राजा है, आप उससे हीरे का हार मांगिए, वो दे, आधा राज मांगिए वो दे देगा, सारा राज मांगिए हो सकता है कि वो तो कह देगा कि लो तुम ही राजा बचा, लेकिन क्या संभव है कि वो अपना दिल देते रहे। वो अपने दिल में स्वयं रहता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहता है। कोई सब कुछ दे सकता है, भौतिक संसाधन दे सकता है, लेकिन अपना दिल, और राज्य अपना दिल पहले देना चाहते हैं, लुटाना चाहते हैं। लुटा तो चुके हैं आंतरिक रूप से, लेकिन हम लुटना भी नहीं चाहते। इससे बड़ी गदरे से भी और क्या, प्रेम क्या करता है, जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम, जब चढ़े प्रेम के रस, जब हमारी आत्मा में प्रेम का रस आता है, और उस प्रेम के रस में हमारी आत्मा नख से सिख तक डुबकी लगा देती है, क्या होता है, हुए धाम भी रस, राज्य भी रस में। जिस प्रेम के बस में राज्य को रहना पड़ता है, उससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो। हम यही नहीं समझ पाते, पूरे देश में प्रचलन सुंदर सा यही सिखाने, 5 बार तारतम का पाठ कर लो, 1 बार मेहर सागर का पाठ कर लो, कोई कष्ट है तो मेहर सागर का पाठ कर लो। मुझे भी कहना पड़ता है छोटे बच्चों के लिए, तो मैं भी कह देता हूँ कि मेहर के सागर का पाठ कर लो, क्योंकि उनमें धार्मिक संस्कार बने। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 20 से ऊपर हो चुकी है, यदि वो 40-50 साल की उम्र में मेहर सागर का गोटा पढ़ते हैं, तो आश्चर्य होता है कि अब पाठ करने की उम्र की, अब तो जो हृदय में जो बढ़ता हुआ मेहर का सागर लगा, उस मेहर के सागर को अपने हृदय में आत्मसात करना होता है, और उस मेहर के सागर में डुबकी लगाकर राज्य के हृदय में प्रवेश करना होता है। जो हम हैं, इस परे से हट करके जो वह है, उसके स्वरूप में एक रूप होना होता है, क्योंकि जीवन का स्वरूप में लक्ष्य क्या होता है। यदि मंसूर फकीर यह कह सकता है अनलता, तो राज्य के प्रेम में डुबकी लगाकर हमारे अंदर से वह आवाज क्यों नहीं निकलती कि हम भी तो वही हैं जो तू है, हम तेरे से प्रेम करते हैं और तेरे प्रेम में डूबकर तेरे जैसे ही बन जाए। हम अनादिकाल से तो उसके ही स्वरूप हैं, थे और रहेंगे, लेकिन हमें खुद का बोध, हमारा जीव न जाने कितने जन्मों से माया के देवी देवताओं की भक्ति करते करते उसी संस्कारों में पल चुका है। जब तक गोटा का पाठ लेकर के ये करना, राज्य मेरे बेटे की नौकरी लगा दीजिए, राज्य मेरा ये कर दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, आप क्या मांग रहे हैं। सीता ने राम से कभी कोई याचना नहीं की, संसारी पिता प्रेम याचना नहीं की जाती, प्रेम तो लेना हमारा अधिकार है, और प्रेम के वशीभूत होकर राज्य जो लीला हमें दिखा सकते हैं, उसको देखने का भी हमारा नैतिक अधिकार। ब्रज में गोपियां थी, कृष्ण से किसी भी तरह का लौकिक स्वार्थ नहीं, गोपियां रो रोकर अपना लौकिक दुख कभी कहती नहीं, होता भी नहीं, जो अक्षराती से करेगा भला उसको दुख क्यों हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस की कितनी निष्ठा है, मैंने कई बार चर्चा में उदाहरण दिया है कि रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हैं, दर्द हो रहा है, सब कहते हैं कि गुरुदेव एक बार तो कह दीजिए माँ से, वो ठीक कर देंगे। रामकृष्ण परमहंस हंसते हैं, कहते हैं कि अरे माँ देख ही तो रही है, मैं क्या कहने जाऊं, उसको सब पता है। अति विश्वास से रामकृष्ण परमहंस को अपनी आराध्या, अपने अपनी आराध्या पर, हमको राज्य पर विश्वास नहीं है। हमको भी कहा जाता है कि इतने दिन पाठ कर लो, ये संकट टल जाएगा, ये तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, करते हैं हम लोग। हम इच्छाओं के दास तो हैं, लेकिन राज्य के प्रेम के प्याले पीना हमें स्वीकार नहीं होता। एक माँ जब अपने 1 वर्ष के शिशु को अपनी गोद में खिलाती है, संभव है रात्र को सोते समय लोग शंका भी कर देता है, उसके बिस्तर गीले हो जाते हैं, माँ सोचती है गीले बिस्तर पर मैं स्वयं सो जाऊं, लेकिन अपने बच्चे को गीले बिस्तर पर नहीं सोने दूंगी। बच्चा तो
क्या है, 1 साल का बच्चा है, कुछ भाषा नहीं समझता, कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बच्चे के प्रेम ने जन्म देने वाली माँ को भस्म कर रखा है। वो माँ से नहीं कहता कि माँ मुझे अच्छे बिस्तर पर सुलाओ, माँ को विवश होकर के सुलाना पड़ता है। जब इस दुनिया की एक माँ इतनी ममता रख सकती है, तो आप सोचिए, आप अक्षरातीत से क्या कर रहे हैं? शायद सुंदर साथ नहीं समझता युवराज जी के प्रेम का कितना तिरस्कार कर रहा है। जो एक बार पुकारने पर 10 बार जी जी करने के लिए तैयार है, जो अपना दिल पहले ही दे चुका है, हार चुका है, मासू के मोहे मिल के करी सो दिल दे, कुछ कहे तो दे पड़ू कर जो मैं पूछू, दिन बुलाए इन बंजारों को देखते हुए अर्ज कर बैठे भगवान। अब सोचिए, हमने पुकारा नहीं था, वो स्वयं आता है, हमारी आत्मा के धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान, लेकिन हमारी आंखें माया के पर्दे को भेद नहीं पा रही, क्योंकि माया की आंखें माया के दृश्य को देख सकती है। जब हमारे अंतर चक्षु खुल जाए उस प्रेम की भावनाओं में डुबकी लगाने पर, स्वतः हमारे अंतर चक्षु राजी को नख से सिख तक दीदार करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। लेकिन सुंदर साथ, जीव भाव को प्राप्त रहता है, अपने जीव की आंखों से संसार को देखता है, उसी उन्हीं भावों से राज्य को भी देखने का प्रयास करता है, उन्हीं भावों से राज्य को तोड़ता है। देवी देवताओं के मंदिर में जाने से ये मिलता है, ये मिलता है, उसको क्या चाहिए? राज्य नहीं चाहिए, राज्य के दिल पर शासन करना नहीं चाहिए। मैं आपको एक लौकिक दृष्टांत देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को वन में निर्वासित कर देते हैं। सारी प्रजा बाह्य रूप से क्या देखती है कि भगवान राम तो महल में रह रहे हैं, अच्छे भोजन करते होंगे, अच्छे शैया पर सोते होंगे, लेकिन राम के हृदय की पीड़ा को किसी ने समझा? सीता से अलग होने के बाद राम के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम की एक कसक है कि कदाचित सीता मेरे पास होती, लेकिन राज्य की धर्म की मर्यादा विवश कर रही है, सीता से दूर रहे। सीता आती है, पुनः प्रजा मांग करती है कि नहीं, सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी कि वो पवित्र है कि नहीं। सीता धरती में समा जाती है, तन छोड़ देती है। राम से सीता हमेशा के लिए अलग हो गई, लेकिन उन्हें अब भी सिंहासन पर बैठना है, अपने दोनों बच्चों को प्रेम देना है, लेकिन स्वयं हृदय प्रेम से सूना है। राम की उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, इधर गोपियां पीड़ा में तड़प रही हैं, लेकिन वे कह तो सकती हैं कि श्री कृष्ण कितना निष्ठुर है, हमें छोड़कर चला गया, लेकिन श्री कृष्ण के हृदय की पीड़ा को शायद गोपियां भी पूरी तरह से नहीं समझ सकती। उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विस्तृत राय, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ, गोपियों का प्रेम हर पल उन्हें याद आता है, यशोदा माँ का प्रेम उन्हें याद आता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण निष्ठुर है, लेकिन लोक मर्यादा उन्हें निभानी पड़ रही। आप सोचते हैं कि आप प्रतिदिन वाणी पढ़ते हैं, आप चितवनी करते हैं, राज्य नहीं आते हैं, राज्य निष्ठुर है, ऐसा नहीं है। जितना आप प्रेम कर रहे हैं उससे हजारों गुना लाखों गुना राज्य प्रेम कर, लेकिन इस प्रकृति की मर्यादा को निभाना पड़ रहा है। यदि तारतम्य लेते ही राज्य का दर्शन होने लगे तो क्या होगा? आपसे चुप तो भी तो नहीं रहा जाएगा, आप हजार लोगों से कहेंगे, आपको पता है मैंने तारतम्य लिया इतने दिन, आज राज्य ने साक्षात दर्शन किए। परिणाम क्या होगा? जो दूसरे मतावलंबी हैं वो क्या सोचेंगे कि इस मत में तो केवल सम्मिलित होते ही दर्शन होने लगता है, सारी मर्यादाएं मिट जाएंगी, कोई ध्यान भक्ति नहीं करना चाहेगा। राज्य आपको सोटी पर परिपक्व करना चाहते हैं, इससे प्रकृति की मर्यादाओं को निभाते हुए भी आपके हृदय में निरंतर बसते रहते हैं, जिससे आप मेहर की प्रार्थना कर रहे हैं, वो हर पल आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसते।
लेकिन वो देखता रहता है कि जिसके हृदय में बसता हूँ वो मेरे से कितना प्रेम करता है। आप किसी के घर जाते हैं, आप तो यही सोचते हैं मैं देखूँ ये क्या खिलाता है क्या पिलाता है। आप जिसका आतिथ्य ग्रहण करते हैं वो अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वयं से अच्छा खिलाना चाहेगा, आपको अपने से ज्यादा सुखी रखना चाहता है। प्रश्न यह है कि क्या हम सुंदर साथ भी अपने से ज्यादा राजी से प्रेम करते हैं? कदापि नहीं। हमारा जीवन व्यक्तिगत सुखों के लिए होता है। हम 24 घंटे में से 1 घंटे 2 घंटे मुश्किल से दे पाते हैं। आप सुंदर साथ को धन्यवाद है कि जिम के माध्यम से प्रातः काल ही लग जाते हैं, लेकिन कदाचित देश का सारा सुंदर साथ इसी भावना से ओतप्रोत हो जाए कि प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान कर ले, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा वाणी के चिंतन में लग जाए, तो भी हम अर्थोपार्जन करने में तो 8 घंटे 10 घंटे खर्च कर सकते हैं, किसी से वार्ता करने में कई घंटे खर्च कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सुंदर साथ केवल आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए शुद्ध हृदय से राजी से प्रेम करें, राजी के भावों में डूबकर अपने शरीर को भूल जाए और आत्म का श्रृंगार सज कर राजी को जी भर कर देखे। 1 घंटा नहीं कर सकता, आधे घंटा तो कर ही सकता है, और स्वयं के हृदय को उनके लिए सौंप दे कि मेरा हृदय तुम्हारा हृदय। तभी तो हम कहते हैं कि हृदयेश्वर तुम मेरे हृदयेश्वर हो, तुम मेरे प्राणेश्वर हो, तू संसार के लिए अखिलेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर का भी तू प्रीतम है, लेकिन तू तो मेरे हृदय का स्वामी। मेरे से नहीं कहा जाता ही राजी महाराज, मैं क्यों महाराज बना। आजकल एक बहुत सी विडंबना चल रही है, कई जगहों पर सुनने को मिलता है कि भाई राजन स्वामी तो जय ही नहीं बोलते, प्राणनाथ प्यारे की जय ही नहीं। मुझे वह घटना याद आती है जब मैं रतनपुरी रहता था, एक बार सरकार से ने कहा कि राजन स्वामी तुम सतगुरु महाराज की जय क्यों नहीं बोलते हो मंच पर। मैंने कहा कि सरकार से मैं जानता हूं कि आप सतगुरु महाराज की जय जब बोलते हैं तो आप अपने सतगुरु महाराज को लक्ष्य लेकर के बोलते हैं। आने वाली पीढ़ी, मैं नहीं चाहता कि यदि मैं बोलूंगा तो मेरी देखा देखी आने वाली पीढ़ी भी बोलेगी, हो सकता है मेरे उसका भाव मेरे प्रति हो, तो मैं वो बोला तो जा रहा है सतगुरु महाराज की जय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई निजानंद परब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्यामा जी का ध्यान करके बोलता हो, वो तो यहाँ के तनु का ही ध्यान करके बोलेगा। इसलिए सरकार से के दबाव देने पर भी मैंने कभी भी आज तक सतगुरु महाराज की जय नहीं बोला। अब मेरे सामने एक और दुविधा आती है जो मैं कह देना चाहता हूँ। संसार के किसी भी ग्रंथ में सच्चिदानंद परमात्मा के लिए जय शब्द, क्योंकि जय किसको बोला जाए जिसका कोई प्रतिद्वंदी, जय तो महापुरुषों के लिए बोला जाता है। चर्चा करते समय कई बातें मन में छिपाए रखनी पड़ती है, क्योंकि श्रोताओं का स्तर सबका एक जैसा नहीं होता, वह लोक परंपरा का निर्वाह करता है। यदि उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। आज हमारे समाज में जयकारा के लिए झगड़े लगते हैं, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में आए हैं जिसमें इष्ट देव की जयकारा लगाया जाए, भगवान राम का जयकारा लगाया जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण का जयकारा लगाया जाता है, ये सब बातें ठीक है। जय जहाँ है वहां पराजय है, जहां दो प्रतिद्वंदी हों तो उसमें एक की जय लगाना स्वाभाविक है, किंतु परमात्मा का तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, वो तो सर्वोपरि ही है। अनंत ब्रह्मांड जिस माया से बने हो तो माया उनके चरणों की दासी है, जितने महापुरुष हुए हैं सभी उसकी प्रार्थना करते हैं, अक्षरातीत से परे कौन है, वह दुरात्मा का भी है, पुण्यात्मा का भी, देवता का भी, राक्षस का भी, वो सबका है, उससे किसी का विरोध नहीं, कोई उसको माने या ना माने, लेकिन परमात्मा से विरोध रखने की सामर्थ्य किसके पास है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। माया तो तरसती है कि परमेश्वर के चरण कमल मेरे हृदय में आ जाए, वे मेरे इस ब्रह्मांड में अपने चरण कमल रख दें, भला माया उनसे प्रतिद्वंदता कैसे कर सकती है ऐसी अवस्था में।
हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तो जय बोल सकते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय बोल सकते हैं, हनुमान जी की जय बोल सकते हैं, सभी महापुरुषों के गौतम बुद्ध की जय बोल सकते हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई प्रतिद्वंदी रहा है। जहाँ राम है वहाँ रावण, कृष्ण है वहाँ कंस है। भगवान शिव के भी माया में कई प्रतिद्वंदी होते हैं, हर महापुरुष का प्रतिद्वंदी होता है। गौतम बुद्ध को भी माया से संघर्ष करना पड़ता है, तब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त होता है। महावीर स्वामी को भी बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, जिनेन्द्र बनने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, कई वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता है। लेकिन सर्वशक्तिमान सकल गुण निदान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत जो पूर्णात पूर्ण है, अनंत प्रेम का सागर, अनंत आनंद का सागर, अनंत शक्ति का सागर, भला किससे प्रतिद्वंदिता रखेगा? इसलिए मैं अपने प्राणेश्वर को जय कैसे बोलूं, क्योंकि वो मेरा जो प्राणेश्वर है वो सर्वोपरि, उसकी जय बोलकर मैं उसकी महिमा को मैं छोटा कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा हृदय कभी भी पूरे मन से जय नहीं बोल पाता, कहीं कहीं दबाव में बोलना पड़ता है कि लोग ऐसा न समझे कि रंजन स्वामी इसके भी विरोधी होंगे। अब तो खुली बातें चल रही है कि जय क्यों नहीं बोलते, जय नहीं क्यों बोलते। लेकिन कोई चारों वेदों में, उपनिषद में, दर्शन शास्त्रों में, किसी भी ग्रंथ में तो दिखा है जिसमें लिखा है कि सच्चिदानंद परमात्मा की जय, सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रार्थना की जाती है, सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में प्रणाम किया जाता है। लेकिन जय बोलने के लिए कोई वेद का मंत्र नहीं है, कोई उपनिषद का वाक्य नहीं है, कोई वेदांत का सूत्र नहीं, गीता में कोई वाक्य सच्चा सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः कर सकते हैं, प्रणाम प्रणाम कर सकते हैं, कोई उनका अभिवादन हम करते हैं, लेकिन जय नहीं बोलते। अब संसार में देखा, देखिए हमारे समाज में भी परंपरा चल गई है, अलग अलग विवेकानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं परंपराओं का विरोध क्यों करूँ, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे हृदय पर जिसका सिंहासन सजता है वो मेरा प्रीतम अनंत, अनंत का अनंत है, उसके जैसा कोई नहीं, उससे किसी की तुलना का प्रश्न ही नहीं होता कि मैं उसकी जय कराऊं। वो सर्वोपरि है, मेरा सर्वस्व है, इसलिए न तो मैं उसे संसार की कोई कामना कर सकता हूँ, क्योंकि वो यदि मैं उसे कामना करता हूँ कि मेरी इच्छा है तो मैं उसके प्रेम को कलंकित करता हूँ। यदि उसको को जय मानता हूँ तो लगता है कि उनके समकक्ष में किसी और को भी मान रहा हूँ। हो सकता है मेरी बातें सुंदर साथ को भी अच्छी नहीं सकती, लेकिन यदि हम आंतरिक रूप से अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के हृदय में बैठकर डुबकी लगाकर देखेंगे तो यही लगेगा कि हमने राज्य के दिल को समझा लिया। कीर्तन में एक प्रकरण आता है जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ, महारा बस की धर रे मोसुवल का केम करे था, महारा बस की धल वाला रे मोसुवल का केम करे था। ये प्रेम की चुनौती, प्रेम की पुकार है कि मेरे राज्य मैंने तो आपको प्रेम से बस में कर लिया, जब चढ़े प्रेम के रस वे धाम धरे बस, प्रेमी गम अलग की करी रे लोगों की खोली चक। मैंने प्रेम से आपको बस में कर लिया है तो आपकी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे से अलग हो जाओ, क्योंकि आपकी विशेषता है, आप हर तरह से सामर्थ्यवान है, लेकिन आपकी भी कुछ कमजोरियां हैं, जो आपसे प्रेम करता है आप उसके बस में रहते हैं, आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद कहते हो मैं रहने से को रूह भी रूहे रहने सके मुझे। एक अक्षर अतीत है जो गोपियों को रिझाने के लिए ब्रज में सब कुछ कर सकता है, राधा के पांव भी पकड़ लेता है। गोपियां कहती है कि कृष्ण तुम नाचोगे नाचोगे, तुम्हें मक्खन देंगे, और नाचता भी। क्या संसार का कोई देवी देवता ऐसा करने की सामर्थ्य रख सकता है? कोट राज वैकुंठ के ना आवे इत के खिन समा, एक क्षण के लिए भी यदि हम अपने हृदय की प्रेम की दृष्टि खोल लें तो उसके समक्ष करोड़ों वैकुंठ के राज फीके हो जाएंगे। फिर भी हम राज्य से क्या मांगते हैं? व्यापार में वृद्धि, नौकरी, पुत्र की प्राप्ति, समाज में वर्चस्व, यदि राज्य आपके समक्ष खड़े हो जाए तो क्या मांगेंगे आप? संसार की वस्तुएं तो मांगेंगे, कोई इल्म मांगेगा,
जो समझदार होगा बुद्धिवर्ग कहेंगे कि मुझे वाणी का इतना ज्ञान दे दीजिए कि मैं ही अकेले सारी दुनिया में जागने कर लूं, मेरे सामने कोई न ठहरे, यही तो मांगेगा कोई बुद्धिमान व्यक्ति, यही मांगेगा कोई साहिबी, मांग लेगा जो मैं कहूँ सब लोग माने, सुंदर साथ में मेरी वाह वाह हो जाए। भले ही आप लौकिक चीजें नहीं मांगेंगे, कोई इल्म मांगेगा, कोई साहिबी मांगेगा, कोई हुक्म की शोभा मांगेगा, हुक्म अक्षत साल को दियो सो अपने राज, बड़े बड़े ब्रह्मुनि भी इससे वंचित नहीं है। अभी तक मैं आप प्रसंग पढ़ते हैं, जब श्री जी अनूप सर जाने लगते हैं तो बुद्धदेव भीम को जागृत बुद्धि का प्रकाश देते हैं। नारायण स्वामी को क्या मिला? तारतम की शक्ति, तारतम के रहस्यों को खोलने की कला मिली। कागज लालदास जी को, सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान उनको दिया, और हुक्म किसको दिया? ये शेख बदल को दिया। बीतक में आता है, हुकुम हाथ सत साल को दियो सो। जब पन्ना जी में पधारते हैं तो हुक्म की सारी शोभा महाराजा छत्रसाल जी को दी। लेकिन यह बात बताइए, राज जी ने ये नियमते तो दे दी, लेकिन एक अक्षर तीर के हृदय की भी पीड़ा है कि किसी ने उनके हृदय पर शासन करना क्यों नहीं सीखा। मेरे दिल के दर्द की एक साहेब जानी बात, और कोई ना मिल जाए मैं यासु करूँ बिके, ये महामती जी के हृदय की पीड़ा है। वो सर्व समर्थ है, वाणी में कहते हैं कि मेरी एक लड़ी से, मेरी एक इच्छा क्या संकेत मात्र से ऐसे इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो सकते हैं। यार सजा दे सकते हैं परसों मुझसे हूँ, लेकिन एक सामान्य मानव की तरह लीला कर रहे हैं, जैसे कोई पहचान नहीं पाए। ये माया अमल उतारे श्री महामत मेरा टोने एक वकार। सुंदर साथ उनसे चर्चा सुनते हैं, कई अवगुण लेवे धनी का करे आप भी अवगुण। उन्हें महामती जी के अंदर केवल अवगुण ही अवगुण नजर आते हैं। तभी तो कहा है, उन्होंने व्यंगात्मक भाषा में कहा है कि रोम रोम कई कोटो गुण, ऐसी में करी गुनेगा, ये तो कहीं में गिनती पर गुने गुने शुमार। क्या है भरा प्रेम, जब वे देवचंद जी के तन में आते हैं, जब वो मिहिराज के तन में आते हैं, तो हमारी माया की आंखें उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाती हैं, और उनके मुख से विवश होकर के ये शब्द निकल पाते हैं। सच पूछा जाए तो यदि हमने अंतर्दृष्टि खुली होती तो महामती जी के धाम हृदय में बैठे अपने प्राणेश्वर अक्षराती त्रिगल स्वरूप की पहचान कर ली। और यदि छठे दिन की लीला में यदि हमने ये स्थिति प्राप्त कर ली होती तो हमें भी ये नजर आता है कि हमारी आत्मा के हृदय में कौन बसता है। हमारी आत्मा का प्राण वल्लभ बसता है जिसके पास अनंत प्रेम। आप जिन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसके लिए मेहर सागर का गोटा पाटते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति तो यहाँ के देवी देवता भी कर सकते हैं, हनुमान जी भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान भी कर सकते हैं, ब्रह्मा जी भी कर सकते हैं, शंकर जी भी कर सकते हैं, फिर भी राज्य क्या है? आप एक अबोध शिशु की तरह, जैसे एक अबोध शिशु अपना सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दिया, उसको विश्वास है कि मेरी माँ कुछ मेरा ख्याल रखे। ये पूरे देश में परंपरा यही है, राज्य को यही अपना है सब, लेकिन अपना हृदय देकर तो कीजिए। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण से कुछ चाहत नहीं रखती। आप कहीं भी देख सकते हैं, पूरे ब्रजलीला में देख लीजिए, गोपियों ने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, केवल अपना हृदय दिया। मीरा कुछ नहीं मांगती, मीरा को विष दिया जाता है, मीरा श्री कृष्ण का प्रेम प्रसाद समझ करके पी जाती है। चिंता तो आगे कृष्ण को करनी, वो मंत्र पाठ नहीं करती कि हे मेरे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कभी आंसू नहीं पाती। जो होगा
उसकी चिंता किसको करनी है जो उसका आराध्य। तभी तो कहा है, मैं अधीन करनी नहीं बांध रही खिलाई। ऐसी समर्पण भावना हमारे अंदर आ जाए तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो। वह समर्पण, वह प्रेम, हम अपना हृदय ही लुटा दें। अपना हृदय लुटा देंगे तो राज्य का हृदय लूट लेंगे। लेकिन हम व्यापारी जो ठहरे, हम सोचते हैं कि हम अपना हृदय कैसे दे सकते हैं, क्योंकि तो हमें अपनी कमियां भी मालूम है। हमें अपना हृदय तो अपने पति को दे रखा होता है, पत्नी को दे रखा होता है, बच्चों को, समाज को दे रखा होता है। जो हृदय पहले ही दूसरे का हो चुका है, वो राज्य को कैसे समर्पित किया जाएगा। सच भी, जो किसी को समर्पित नहीं हुआ होगा, वही हृदय तो राज्य के लिए समर्पित हो सकता है। इसलिए राज्य की सबसे बड़ी मेहर क्या है? इन मई में डुबिया सबको, याको पार न पावे को, याको परसु पावहीं चाको मुतलक बख्शीश। इस चौपाई की चर्चा मैंने पहले भी की है। याको परसु पावहीं चाको मुतलक बख्शीश हो, सबसे बड़ी कृपा क्या है? मैं के बंधन से परे हो जाऊं। संसारिक बंधन तो अपने आत्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में आप छोड़ सकते हैं। संसारिक अहंकार को आप छोड़ सकते हैं, बहुत सरल हो जाएगा। जिसका वाणी का चिंतन रहेगा, वो अपने शारीरिक सौंदर्य का अहंकार नहीं रखेगा, धन की प्रभुता का अहंकार नहीं रखेगा, लौकिक पद की प्रभुता का अहंकार नहीं रखेगा, संसार की माया को छोड़ देगा। लेकिन मान लीजिए आप बहुत चिकनी करते हैं, राज्य का रिश्तेदार हो गया, तो भाव तो रहेगा, मैंने राज्य को पा लिया है। आपके पास वाणी का बहुत अधिक इल्म आ गया, अब ज्ञान में डूबे पड़े, दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझने लगे, इसको तो मेरे सामने क्या आता है, ये भी तो अहंकार आ गया। आपके तन से कोई अलौकिक लीला हो गई, आप सेवा करवाने बैठ गए, इससे मेरी सेवा करें, मेरे तन से तो राज्य लीला कर, ये भी तो एक अहंकार आ गया। आपके तन से राजी ने इतनी बड़ी जागनी कर ली जो किसी ने न की हो, तो सबसे करते फिरेंगे। आपको पता है, मेरे तन से राजी ने करके इतनी बड़ी लीला जागनी करवाई है, वो किसी तन से लीला नहीं है। अहंकार यहाँ भी सूक्ष्म से आपके अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि आप अपना जैसा ही होता है, जैसा फजूर हुक्म कर। तभी आपने सोचा है कि राजी जो दिल में लेते जा रहे हैं, आपके तन से वही होता जा रहा है। लालदास जी का तन तो कठपुतली है, भीम भाई का तन कठपुतली है, छत्रसाल जी का तन कठपुतली है, यहाँ तक कि मिराज का तन भी कठपुतली है। आप देखिए भीतर के अंदर, श्री जी पहले भेज देते हैं, जाओ औरंगजेब को संदेशा दे करके आओ, पुनः आदेश आता है कि नहीं अभी समय नहीं आया, क्योंकि अभी हरिद्वार चलने का समय आ रहा है, पुनः बुला लिया जाता है। आप सोचिए कि मूल स्वरूप से तो कभी भूल नहीं हो सकती। महामति जी का जो दिल है, जो मिराज के जीव पर विराजमान है, उस दिल से पुकार आती है, और वो निमंत्रण के, और वो औरंगजेब को भेजने के लिए संदेशा देने का आदेश होता है, अंदर विराजमान राजी रुकवा देती है, राजी के आदेश से रुका देती। कहने का से क्या है, जब हमारा जीव भाव प्रबल होता है, तो हम अपने अनुसार कार्य करने का प्रयास, जब हमारे अंदर आत्मभाव प्रबल होता है, परात्म के भाव में हम डूब जाते हैं, हम अपनी परात्म का हृदय का प्रतिबिंब मानकर अपनी आत्मा के हृदय को राज्य पर समर्पित कर देते हैं। पूर्ण समर्पण, जिसमें न नच न हो, कहीं बुद्धि की दौड़ न हो, कि मेरा तू है, तू जो चाहे है वो करना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि करना है कि नहीं करना है। आपकी इच्छा मेरी इच्छा, आपका आदेश ही मेरा सब कुछ है। यदि हम इस अवस्था में आ लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कृपा होती है। राज्य का दर्शन कर लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है दर्शन करने की भावना से बच जाना। इसलिए
बेचन जी के तन से एक लीला भी राज्य ने करा दी हम सबको सिखापन देने के लिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सदगुरु धनी देवचंद जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो लीला कराई जाती है उन दोनों तनों से ताकि हम उन गलतियों को दोहराए नहीं। हमको तो राजी ने सब कुछ करके दिखा दिया है। रू अल्लाह करी बंदगी यामी उनकी मैं तो गुनाह कहीं पर जो मांग लिया। यदि पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो उसमें कहना तो नहीं पड़ेगा कि मेरे तन से जागनी कराओ। राजीव जिस तन में बैठे हैं, जिस तन से अड़िका लीला कर रहे हैं, सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, सब सुंदर साथ उस तन को राज्य का स्वरूप मान रहा है, फिर भी हंसी की लीला हो रही है कि सब सुंदर साथ से वो सिफारिश सतगुरु धनी देवचंद जी करवाते हैं कि राजी मेरे तन से जागनी लीला क्यों नहीं करवा। ये क्या है हंसी? इसका कारण क्या है? राज्य की मेहर को नहीं समझना, राज्य को अपना दिल ना देना। ये बात तो कही जाती है कि अपना दिल दे के औरों का दिल ले, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन सच ये है कि इस सृष्टि की लीला ऐसी है कोई अपना दिल देना नहीं चाहता, और जिसने अपना दिल दे दिया वह राज्य का दिल ले सकता है, और इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। और ये कब होगा? मैं खुदी के बंधन को तोड़ने के बाद इन मैं में डूबिया सब कोई, चाहे लौकिक मैं हो या आध्यात्मिक मैं। राज्य के दर्शन की भी मैं को हटाइए, राज्य का गुई जान आपके पास है इसको भी हटाइए। जब ये सारे बंधनों से आप परे हो जाएंगे तब तो आप अपना हृदय दिल दे पाएंगे। श्री देवचंद जी के तन से ऐसी लीला क्यों कराएंगे कि यदि राज्य हमारे अंतर बैठ जाए, हमारे तन से लीला करने लगे, फिर भी हम यह न सोचे कि राजी आप ये कर दीजिए क्योंकि हमारी इच्छा है। यदि ऐसे आपने कर दिया तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने अभी पूर्ण समर्पण नहीं किया था, तो अपना हृदय नहीं दिया था। आप उस छोटे बच्चे से भी हार जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा छोटा बच्चा अपना सब कुछ तो माँ के हाथों में सौंपे रखता है, उसको पता है कि माँ मुझे देखेगी, खिलाएगी, पिलाएगी, मेरी सुरक्षा करेगी। आपको विश्वास क्यों नहीं होता राजी पर? क्योंकि आप प्रेम के आगे अपनी बुद्धि को दौड़ाते हैं। प्रेम क्या है? हृदय के समर्पण का नाम है, अपना चित्त दे देना। चित्त में कुछ ना हो, मन में कुछ ना हो, बुद्धि में कुछ ना हो, अपने अहं का विसर्जन, जो प्रीतम चाहे वही मुझे चाहना है। यदि यह अवस्था आ जाए आप अपना दिल देंगे तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने मैं खुदी के एक सबसे बड़े पर्दे को भेद दिया, और ये राज्य की सबसे बड़ी मेहर होती है। इसी को कहते हैं मैं देखा दिल विचार के इस हक का जित, प्राणेश्वर अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ इश्क है जब हमारे हृदय में आ जाए तो ये राज्य की सबसे बड़ी मेहर। मेहर का बातिनी अर्थ क्या होता है? मैंने पहले आपको कहा जब सातों सागर नूर नीर चीरता दिखृत मधु रस सर्वरस, जब रस सागर नूर सागर से लेकर रस सागर तक की क्रीड़ा हो, हर पल अपने निस्बत का एहसास हो कि सनमंद मुल्कों में तूफान पल छोड़ न जाए। निस्बत के सागर की रसधारा क्या है? हम यहीं बैठे बैठे अपनी परात्म का हर पल अनुभव करें। जब हम अपनी आंखें बंद करें तो हमें अपना मिट्टी का तन नजर ना आए, बल्कि ऐसा लगे कि जो श्यामा जी का स्वरूप हो वही मेरा भी स्वरूप। हम लौकिक क्रियाकलापों में भी यह न समझे कि राजी हमसे कहीं दूर। अभी तो सुंदर साथ क्या सोचता है? कितनी हंसी की बात है। सुंदर साथ में भी स्थानों के ऊपर लेकर के बहुत मतभेद, किसी को कोई कष्ट होता है तो बड़े स्थान की तरफ भागता है। बड़े स्थान आप समझते हैं? तो वहां जाने पर मन्नत पूरी हो जाएगी, किसी परमहंस का आश्रम हो, कोई बड़ी पुरी हो, तो सोचते हैं कि राज्य वहां होंगे। राज्य तो हंसते हैं, राज्य सोचते हैं कि इसको पता नहीं कि अपना जिस तन को लेकर के वहां जा रही है उस तन के हृदय में तो मैं ही बैठा हूं।
हक नजीक सरक से आड़ू पटने द्वार खोली आंखें समझ के देखती न देखे भरता, देखती न देखे भरता। जो प्राण की नली से भी निकट है उसको हम कहाँ खोजते हैं, बाहर खोजते हैं। सुंदर साथ अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कड़े के को भी ठोकर के पीता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पीछे श्री जी का आशीर्वाद है, लेकिन लौकिक कामनाएं ही तो मिटेंगी। मैं तो कहता हूँ कि उस श्री जी को, अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में आप क्यों नहीं देखते? आप देवी देवता की तरह नारियल चढ़ाने लगते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। मैं इस सब के लिए मना नहीं करता हूँ, किसी को सब करे, लेकिन इससे आगे का जो मार्ग है, अपना हृदय राजी को दे देना। अपने आगे की जो लीला होनी है सब कुछ उनके ऊपर सौंप देना। जब आप अपना हृदय दे देंगे उस दिन पता चलेगा कि राजी तो आपके बस में, जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम पर। धाम धनी को बस करना कोई नहीं चाहता। महामती जी की जो पीड़ा है, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, और न कोई और कोई ऐसा न मिले हमें जासो करीब ख्याल। महामती जी के आदेश से सब कुछ हो सकता है, चाहे तो एक पल पल में प्रलय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनकी पीड़ा क्या है। और ऐसा तो कोई ना मिले हमें जासो करीब ख्याल। वो हृदय तरस रहा है कि अक्षरातीत ने मेरे हृदय में विराजमान होकर मुझे अपनी सारी शोभा दी है। मेरे धाम हृदय में बैठे हैं और ये सारे सुंदर साथ मुझे राज्य मान करके रिझा तो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुंदर साथ मुझे बस में नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कि ब्रज का स्वरूप गोपियों के घर से मक्खन क्यों चोरी करता है? क्या उसके घर मक्खन नहीं था? सब कुछ है। जो थोड़ी सी मक्खन के लिए नाचने लगता है, वो गोपियों का प्रेम चाहता है, और गोपियों ने मक्खन दे करके उसको बस में कर लिया है। गोपियों का हृदय भी कृष्ण के लिए व्याकुल है। रांची वही चाहते हैं कि जब मैं महामती जी के हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहा हूँ, तो ये परम धाम का सुंदर साथ दास भावना से भक्ति न करे, कोई मेरे से इतना प्रेम करे कि मुझे बस में कर ले। यही पीड़ा है। अक्षरातीत कभी पीड़ा से व्यथित नहीं हो सकते, लेकिन प्रेम की पुकार ऐसी होती है जिसमें सर्वशक्तिमान भी प्रेम के बस में हो जाता है। इसी इसी तो इसीलिए तो कहा है कि जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। क्या प्रेम के रस में हम डूब सकते हैं? कीर्तन में एक प्रकरण वो आता है, रस मगन भई सो क्या गात। जो प्रेम के रस में मग्न हो जाता है, न वो बोल सकता है, न हंस सकता है, न रो सकता है। इसलिए जिस तरह से जागनी करवानी होती है राजी, उसको प्रेम के रस में पूरी तरह से नहीं डूबोते। मार्फत के प्रेम में डूब जाने के बाद तो मुख से कुछ बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए सुंदर साथ शरीयत के जिस मार्ग पर चल रहा है, जिसमें चुनरी चढ़ाने वालों की, चुड़िया और साड़ी चढ़ाने वालों की एक लंबी लाइन लगती है। जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो समस्या होती है कि मैं अक्षरातीत के सामने रुपये क्या चढ़ाऊं। यदि मैं अपना दिल नहीं दे सका तो 100 का 500 का नोट दे करके मैं कितना बड़ा अपमान कर रहा हूँ। लेकिन लोक परंपरा के अनुसार मैं दूसरों से धनराशि जरूर चढ़वा देता हूँ, ताकि चलिए किसी कार्य में सेवा के कार्य खर्च आए। लेकिन अक्षरातीत को लौकिक द्रव्य भेंट करना मुझे बहुत एक अपमान सा लगता है। हमारा हृदय उसका है, तभी तो वह हमारा हृदयेश्वर है। हम उसकी चाहत के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, जनक को चाहिए था ब्रह्म ज्ञान। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक तुझे ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा मन चाहिए, और यह कह करके चल देते हैं। जनक सोचते हैं कि मैंने तो अपना मन अपने गुरुदेव को दे दिया, इस मन से मैं कुछ भी सोचता हूं तो मेरे लिए पाप लग जाएगा।
उस मन से सोचना विचारना बंद कर देते हैं। मन ही तो सारे बंधनों का कारण। जिस मन से सोचा विचारा नहीं जाएगा वो मन समाधि में प्रवेश कर जाता। और यही होता है, सिंहासन पर बैठे बैठे 3 दिन 3 रात बीत जाते हैं, 72 घंटे बीत जाते हैं। जनक आते हैं, जनक के पास आते हैं अष्टावक्र, पूछते हैं जनक तुम्हें ज्ञान चाहिए? कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे सब मिल गए। अष्टावक्र पूछते हैं तो अब उठ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल गया। कहते हैं कि मैं कैसे उठूं, मैंने तो मन आपको दे रखा है। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक तुम मेरे आदेश से उठो। मैं एक कटु बात कहना चाहता हूँ कि हमारी इस जागनी लीला में क्या कोई जनक जैसा हुआ है? जनक तो माया के जीव है एक तरह से, हम तो परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं। क्या हमने अपना मन, अपने आराध्य, अपने प्राणेश्वर, अपने प्राण बल्लभ को जीत दिया है? जनक का अष्टावक्र से कोई नाता नहीं, लेकिन ज्ञान को पाने की जिज्ञासा में अष्टावक्र मन मांगते हैं और वो जनक दे देते हैं। क्या हम अपना मन राज्य को दे देते हैं? कभी नहीं। हम स्वार्थी व्यापारी हैं, चतुर व्यापारी, जो मेर सागर की कुछ चौपाइयां पढ़ लेते हैं, कह देते हैं राज्य ये कर दो ये कर दो, लेकिन हमारी चतुराई उस कौवे की चतुराई है, जो ज्यादा चतुर बनने के प्रयास में अभक्ष को भी खाने लगता है। राज्य हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं। हम ये बातें सुनते हुए भी भागा करते हैं कि यहाँ चढ़ा देंगे, यहाँ ये कर देंगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी। आप सब कुछ उसको क्यों नहीं दे देते? अपना हृदय ही क्यों नहीं देते? उसने आपको, आपको अपना हृदय दिया आपकी आत्मा के जागने के लिए। जब वो महाराज के तन में बैठता है तो भिक्षा में मांगे हुए अन्न को वह स्वयं ग्रहण कर रहा होता है। ये ठीक है कि अक्षरातीत इन सबसे परे हैं, लेकिन अक्षरातीत का आवेश तो उसमें महामती के तन में है, और महामती जी के तन को भी भिक्षा में मिला हुआ भोजन ग्रहण करना पड़ता है। जिसके परम धाम में अनंत सुख है, वही संसार के धूप शीत वर्षा कष्ट को सहता है। किसके लिए? परम धाम के आत्माओं की जागृति के लिए सहन करता है। हम उसके प्रेम को नहीं देखते, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए वह अपने नख से सिक्क के श्रृंगार का वर्णन करता है, श्यामा जी के एक एक अंगों का वर्णन करता है, अपने खुले अंगों का वर्णन करता है, खुले अंग छाती का वर्णन करता है। किसके लिए? 7 बार वर्णन करके पुकारता है। किसके लिए? ताकि हमारे पत्थर हृदय में कुछ कोमलता का एहसास हो जाए। वो जानता है कि मैंने जब बांसुरी बजाई थी तो इनको बहुत अच्छी लगी थी, और 36, एक दो ने नहीं, 36,000 ने अपना तन छोड़ दिया था। तू बुला रहा है तो तेरे लिए हम इस संसार को छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में कितनी बड़ी हंसी हो रही है कि नख से सिकतक 7 बार श्रृंगार का वर्णन करने के बाद भी वो ये कहता है कि महक नजीक सहरक से आड़ो पटना द्वार में तुम्हारे हृदय में बसता हूँ, फिर भी कोई अपना हृदय उस अक्षरातीत को देना नहीं चाहता और उसको देवी देवता बना दिया जाता है। ये तो हमारे समाज की भूल है, जो परम धाम का अलौकिक ज्ञान अवतरित होने के बाद भी नवदा भक्त की घुट्टी फुला देता है। तुम्हें ये चढ़ाना है, तुम्हें ये गोटा पढ़ना है, तुम्हें मंत्र का पाठ करना, जो दुनिया वाले जिस तरह से मंत्र का पाठ करते हैं उसी मंत्र को स्वरूपरि बना दिया जाता है कि मंत्र पाठ करो, महामंत्र है, इसका इतनी बार पाठ करो, इतनी बार माला करो, इतनी बार परिक्रमा करो। मैं किसी को मना नहीं कर सकता हूँ, जीव सृष्टि वही करेगी, लेकिन जिसके हृदय में विवेक चक्षु है वह तो अपनी आंखें खोल करके अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में पुकारे। उनका प्राणेश्वर हर पल अनंत गुना चाहता है, और उस प्रेम को हमने यदि नहीं समझा तो कहीं ना कहीं राज्य का हम प्रेम का अपमान कर। इसलिए मेहर सागर का एक एक चरण हमारे लिए बहुत कुछ करता है। राज्य की सबसे बड़ी कृपा कि हमें मैं खुदे के बंधनों से तोड़ दे, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि हो या भौतिक उपलब्धि, हर उपलब्धियां हम राज्य को सौंपते हैं। जैसे महाराजा छत्रसाल सब कुछ
श्री जी के चरणों में सौंप देते हैं, कोई अंग नहीं रह गया। कोई भी जागृत परमात्मा अपने ऊपर लेकर के कुछ नहीं करती। हमारे लिए सिखापन है कि यदि हम भी उन पदचिन्हों पर चलेंगे जिसमें अतीत के ब्रह्म मुनियों ने अपने चरण रखे हैं, और हम अपना हृदय राज्य को सौंप देंगे, तो यही बैठे बैठे हम आभास कर लेंगे कि हमारे हृदय में ही संपूर्ण परम धाम बसता है, और उस हमारे धाम हृदय में हमारा युगल स्वरूप है, हमारी आत्मा का युगल स्वरूप विराजमान प्रीतम, जो हर पल हमसे अनंत गुना प्रेम करता है। हम प्रेम के भिखारी नहीं हैं, हम मेहर के भिक्षुक नहीं हैं, क्योंकि हम भी क्या हैं, दिल मोमिन मेहर सागर। हमारे दिल में मेहर का सागर विराजमान है, क्योंकि मेहर करने वाला जब आ गया तो उसके हृदय में उमड़ता हुआ मेहर का सागर भी तो हमारे हृदय में विराजमान। आवश्यकता यह है हम स्वयं को पहचाने कि हम कौन हैं। जब तक संसार की मैं हमारा पीछा करती रहेगी और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों की भी मैं हमारा पीछा करती रहेगी, तो हम इस रहस्य को नहीं समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है अपना दिल केवल दे दीजिए राज्य को, अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए, फिर देखिए आप उसके ऊपर शासन करने लग जाते हैं। षट ऋतु में यही भाव व्यक्त किया है। महामती जी की आत्मा कहती है कि राजी आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने ब्रज में हराया था, रास में भी हराया था मैंने। ये प्रेम की पीड़ा ही तो है कि एक पुकार पर सबने शरीर छोड़ दिया। चितवनी में कहा जाता है कि हम कुछ समय के लिए भूल जाएं, शरीर छोड़ने की बात किसी के लिए नहीं कही जाती, केवल शरीर भाव से जीव भाव से परे होने की बात कही जाती है। हम विरह के कुछ आंसुओं में स्वयं को भुला तो दें, लेकिन चितवनी से जब उठते हैं तो माया की गंध भरी अहंकार हमारा पुनः पीछा करने लगती है, और यही सबसे बड़ी बाधा है। इन सारे बंधनों को तोड़कर जिस क्षण हम अपना हृदय दे देंगे, उस क्षण हमें मेहर के सागर की वास्तविक पहचान होगी। हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। तू मेरे में है, मैं तेरे में, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है, और यही है जीवन का सर्वस्व। जिससे हम मेहर मांगते हैं उसको हम समझते ही नहीं, उसको लौकिक कामनाओं की पूर्ति का एक साधन समझते हैं। मैं राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि सब सुंदर साथ पर ऐसी कृपा करें कि राज्य उनके दिल को समझ जाए। जब हम राज्य के दिल को समझ जाएंगे तो हमें अपना दिल लुटाने में कोई झिझक नहीं होगी, और जिसने अपना दिल लुटा दिया वो राज्य का ही दिल लुट लेगा, और जिसने राज्य का दिल लुट लिया उससे बड़ा भाग्यशाली सृष्टि में न कोई था, न है, और न कभी हो सकेगा। महामती जी का हृदय इसीलिए तड़प रहा है कि कोई मेरा दिल तो लूटने वाला पैदा हो जाए, लेकिन कोई लूट नहीं पा रहा है। छठे दिन की लीला में सभी ब्रह्मात्माओं के लिए एक चुनौती है राज्य की तरफ से कि कोई अक्षरातीत का तो दिल लूटे, अक्षरातीत का दिल तो वही लूटेगा जो अपना दिल लुटा चुका होगा, और राज्य के दिल में प्रवेश कर अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर चुका होगा। इसी को कहते हैं मेरी नजर में मेहर का सागर, और जिसने ऐसा किया है वही मेहर के सागर को वास्तविक रूप से समझ जाए। हो सकता है मेरी कई बातें समाज से अटपटी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन यह सच है, वाणी का कथन यही है जो मैंने कहा। इसलिए जो बातें मैंने कही कि भाई मैं जय क्यों नहीं बोलता, वो इसी संदर्भ में, मेरे से जय बोलना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि समाज को बोलते रहना चाहिए कि मन संचालन की प्रक्रिया ही होती है कि बोलना पड़ता है, न बोले तो क्या बोले। तो इसलिए लोक रीति अलग होती है और आत्मा के द्वारा प्रीतम को पुकारने की रीति अलग होती है, क्योंकि वाणी मेरी प्रेम की नारी जो संसार, प्रेम का मार्ग संसार के सभी मार्गों से अलग है। मैंने जो कुछ कहा है तारतम बाणी और धाम ग्रंथों के अनुसार कहा है, फिर भी यदि किसी को खेद हो तो मैं क्षमा प्रार्थना। राम जी, स्वामी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आज ऐसा लगा जैसे श्री मेहर सागर का टीका स्वयं हमारे सामने खड़ा हो गया हो। सुंदर साहब जी,
जिन्होंने किया, कहते हैं जब टीका पढ़ा जाए तो ऐसे लगता है जैसे वो स्वयं साथ में बैठे हों, पर आज तो लाइव सामने आकर स्वामी जी ने कहा, मारा वस की धल वाला रे, यही असली मेहर सागर है। यदि अक्षरातीत को बस में कर लिया जाए तो वो असल मेहर सागर को पाना है। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में जो स्वयं को जाहिर नहीं करता, कभी जाहिर नहीं करता, जाहिर करता है तो अपने सतगुरु को करते हैं, अपने प्राणनाथ जी को करते हैं। उनके जीवन की घटनाओं के बारे में उनसे पूछा भी जाए तो नहीं बताते। सुंदर सार जी कहते हैं, मेरा प्रेम कलंकित हो जाएगा, मैं अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, जाहिर करना है मेरे सतगुरु महाराज को करो, मेरे प्राणनाथ जी को जाहिर करो। मुझे कोई सेवा किसी से नहीं करवानी, मुझे सेवा करनी है, मुझे हमेशा सुंदर साथ की सेवा में आगे रहना है, मुझे किसी से कोई सेवा नहीं करवानी। इस प्रकार की नम्रता की प्रतिमूर्ति, जिसमें से कभी छिद्र ढूंढने की कोशिश भी की जाए तो ना मिले, इस प्रकार के सतगुरु के साथ हमें तन लेने का ये सौभाग्य मिला, उनके एरा में हमें तन लेने का सौभाग्य मिला। इसके लिए धनी की भी धनी, अच्छा किया आपने मेरी जागनी थोड़ी लेट कर दी, मुझे स्वामी जी के चरणों में बैठने का मौका मिला। बस ये एक सौभाग्य मुझे लगता है, अगर पहले जाग जाती तो स्वामी जी की इस जागनी यात्रा को मैं नहीं देख पाती। बाकी तो अंदर बहुत पश्चाताप है कि बहुत वर्ष बीत गए, बस एक ही खुशी है कि मेरे राजन स्वामी जी से मुझे मिलना था, इसीलिए शायद लेट हुए। ऐसे सतगुरु जिनके टीका हम सोचा करते थे स्वामी जी कि इस जूम रूपी मंदिर की ना तो कोई नींव है, ना कोई छत, ना दीवारें, पर उस टीका ने, आपके द्वारा किए गए श्री मुखवाणी श्री बीतक साहब के टीका ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, दसों दिशाओं से घेर लिया है। इसकी नींव भी श्री मुखवाणी और उनका टीका है, इसकी छत भी वही और इसकी दीवारें भी वही, और सुंदर साथ के हृदयों में बहता हुआ प्रेम भी आपके आशीर्वाद से, धाम धनी की मेहर से ही बह रहा है। और जो शुभकामना आपने हम सब सुंदर साथ के लिए की है, राजी जरूर करेंगे कि वो पूरी हो, मेरे वश भी वो वाला जी हो जाए, हम सबके वश में हो जाए, जैसे कि वो स्वामी जी के वश में हो चुके हैं। आपके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम है स्वामी जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जरूर आपसे प्रणाम, आपसे बात करना चाहते होंगे, प्रणाम। स्वामी जी मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहती थी, यदि आपके पास 5 मिनट का समय हो, जो सत बोलो। आपके पास समय है स्वामी जी, हाँ बोलिए। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आगे जैसे श्री प्राणनाथ जी में तो जोश और आवेश दोनों की शक्ति कार्य कर रही थी, तो आगे जो परमहंस जो सतगुरु हुए हैं, क्या उनमें भी जोश और आवेश दोनों रहे या केवल जोश की लीला उनमें हुई, बता। ऐसा है कि जिस तन से आवेश कार्य करता है उसको राज्य का स्वरूप माना जाता है। तो हकीकत की अवस्था में हर परमात्मा के साथ राज्य का जोश जुड़ा हुआ है, जागृत बुद्धि असराफिल जुड़ा हुआ है। मार्फत की अवस्था में ही आत्मा और राज्य एक स्वरूप हो जाते हैं और मार्फत की अवस्था किसी किसी परमात्मा को प्राप्त होती है, जैसे कि परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी को हुई थी। लेकिन जागनी ब्रह्मांड में सारी शोभा महामती जी को दी गई, इसलिए कोई भी परमात्मा जो मार्फत की अवस्था में होती है वह भी स्वयं को जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोष माना जाता है। जो शोभा महामती जी को दी गई है उस शोभा को कोई भी जागृत परमात्मा स्वयं के ऊपर लेना नहीं चाहिए। इसलिए सभी परमात्माएं यदि मार्फत की अवस्था में जो भी पहुंच जाते हैं वो भी छिपा लेती हैं और अपने जो सुंदर साथ जो होते हैं उनको भी ऐसे व्यवहार कर देगी कि वे उनके जैसा ही समझें। तो यदि जिस तन से आवेश स्वरूप की लीला हो उसको हम राज्य का स्वरूप तो मान सकते हैं, लेकिन वैधानिक रूप से हम इसको जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे विकृति फैल जाएगी।
कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे तन से लीला हो रही है, मेरे तन से लीला हो रही है। अभी तो आप देखिए कि जिनको वाणी की कुछ समझ नहीं होती, जिनको राज्य का अनुभव नहीं होता, एक भीड़ लगी हुई है कि हाँ राज्य हमारे अंदर लीला कर रहे हैं, हमारे अंदर लीला कर रहे हैं। और वे तन जो है न जाने क्या क्या कर कर करके सुंदर साथ को आकर्षित करते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं, उनकी भाषा भी अशिष्ट हो जाती है। उनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो आध्यात्मिकता से कोसों दूर हैं, लेकिन उनका दावा होता है कि वो साक्षात राज्य के स्वरूप हैं। और वर्तमान समय में ऐसी तो भीड़ लगी हुई है, कई बहनों की, कई भाइयों की, जो अपने को साक्षात राज्य कह रहे हैं। उनके पास तो सच पूछा जाए तो आवेश के, जोश के होने में भी संशय हो जाता है। ये सुंदर साथ पर बहुत बड़ी हंसी है। हर परमंश के साथ जोश की लीला विधिवत होती है, क्योंकि जोश धनी का है, जिब्रील है, वह उनके माध्यम से वाणी के ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और जो आवेश लीला है ये गोपनीय रहस्य होता है, वो मार्फत की अवस्था में कभी किसी ब्रह्मात्मा के तन से लीला हो जाती है। लेकिन जो अनुभव करता है केवल वही जान सकता है, या ब्रह्मात्मा जानती है, या मूल स्वरूप जानते हैं। सार्वजनिक रूप से इसको नहीं कहा जा सकता कि इस तन से आवेश की लीला होती है, होने पर भी इसको नहीं कहा जाएगा, न तो वो तन कहेगा और न कोई उसका अनुभव करने वाली परमात्मा ही कहेगी, क्योंकि इससे अनर्थ फैल सकता है। प्रणाम जी, स्वामी जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सभी सुंदर साथ जी मिलकर स्वामी जी से बात कर सकते हैं। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी सभी अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम स्वामी जी स्वामी जी आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम 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 स्वामी जी प्रेम प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी सुबह ही सुबह प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम जी कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी स्वामी जी प्रणाम जी इसलिए अभी तो 1000 रुपए दिए थे मैंने उस दिन तुझे 550 रुपए है तो मैं 500 रुपए खर्च नहीं करूंगा कि 200 250 रुपए प्रणाम जी प्रणाम जी स्वामी जी। यूट्यूब के माध्यम से भी आज 200 सुंदर साथ ने स्वामी जी का बहुत सुंदर ये चर्चा सुनी है, और यहाँ पर भी बहुत सारे सुंदर साथ ने इस जो दिल से लीला होती है ना राज्य की, सुंदर साथ जी उसकी बातें किसी किसी जो टीका किया है ना स्वामी जी ने, उसके माध्यम से पता लगता है कि स्वामी जी के हृदय में कितने सागर लहराते होंगे जब ये टीका स्वामी जी के हस्त कमल से, उनके दिल से जब ये बातें निकलती होंगी। तो ऐसे प्यारे सतगुरु जी के चरणों में कोटान कोट वारी 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 कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, और स्वामी जी आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि श्री मेहर सागर जो आपके द्वारा किए गए बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत और बहुत गहरे टीका से सभी सुंदर साथ जी ने पढ़ा, उनको मंथन किया, उसकी टीम्स बनाई, एक नूर टीम, नीर टीम, इस प्रकार के जुथ बना बनाकर सुंदर साथ आज लौकिक इच्छाओं से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं और अलौकिक इच्छाओं की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ये केवल और केवल श्री मुखवाणी महामती जी के धाम हृदय से आवेशित वाणी जो निकली उससे, और आपके द्वारा जो धनी जी ने ये सेवा ली उससे ही संभव हो सका है। और आज भी नूर और नीर टीम बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण भी लेकर आए हैं स्वामी जी के ही चरणों में। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी स्वामी जी। जरूर सुंदर साथ जी, यदि अभी तक भी सरसावा नहीं गए हो तो देर मत कीजिएगा, इस बार जब भी वहां पर कार्यक्रम हो तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा, श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र में जाकर जरूर स्वामी जी की
चरण धूलि को जरूर प्राप्त करें सुंदर साहब जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी जी स्वामी जी प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब चाहें स्वामी जी, जब आपके पास समय हो, जरूर हम सब सुंदर साथ को आशीर्वाद देने के लिए पधारते रहें। प्रणाम। और जिन सुंदर साथ ने सेवा की है स्वामी जी को जूम पर लाने की, प्राणनाथ ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों के आचार्यों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं